अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। अंडर वाटर सीन्स के लिए किसने ऑपरेट किए थे कैमरे? कौन है इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइनर? कौन है लक्ष्मण रिजवानगर? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग रात के फिल्मी गलियारे में। KGF चैप्टर 2 साल 2008 में आई फिल्म KGF का सीक्वल है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। पिछली फिल्म KGF में यश के किरदार रॉकी भाई ने करुणा से सीधा मुकाबला किया था, लेकिन अब KGF चैप्टर 2 में उनका मुकाबला अधीरा से होगा, जो बेहद खतरनाक है और जिसका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज और कई बड़े एक्टर्स नजर आएंगे। प्रशांत नील की यह फिल्म एक बहुत ही खास फिल्म है और खास फिल्म के लिए उन्होंने खास इंतजाम भी किए हैं। प्रशांत ने अपनी इस फिल्म में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ख्याल रखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम को प्रशांत कैसे भूल सकते थे भला। प्रशांत की इस फिल्म में एक्टर्स के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम सान्या और योगी चिराज ने संभाला था। इस फिल्म में एक्टर्स के रोल के हिसाब से सान्या और चिराज ने बेहतरीन कपड़े डिजाइन किए थे। बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सान्या और चिराज की ये पहली फिल्म है और उन्होंने इसमें जी तोड़ मेहनत की। उम्मीद है कि ऑडियंस को इनकी मेहनत पसंद आई होगी। वैसे फिल्मों को शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। हर शॉट परफेक्ट होना, कैमरे का सही एंगल होना और कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और तब क्या होगा जब यही सीन्स आपको अंडर वाटर शूट करने हो। अंडर वाटर सीन्स शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें नॉर्मल शूट से ज्यादा समय और मेहनत लगती है और हर किसी सिनेमेटोग्राफर को अंडर वाटर शूट करना भी नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि आपको इस फिल्म यानी KGF चैप्टर 2 में अंडर वाटर के कई सीन्स देखने को मिलेंगे। ये सीन्स अब आप सबको बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा के बदौलत देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म में भुवन गौड़ा मुख्य सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ही अंडर वाटर शूट करने के लिए सभी कैमरे ऑपरेट किए थे। भुवन इससे पहले कई बार प्रशांत नील के साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म में एक ऐसा शख्स भी काम कर रहा है जो इस फिल्म का हिस्सा तो है, पर वो इस फिल्म में दिखाई नहीं देगा, बस सुनाई देगा। जी हाँ, सही समझे आप। अपने ये शख्स इस फिल्म में स्टोरी नरेशन का काम कर रहे हैं और इस शख्स का नाम है रिजवान लक्ष्मणगढ़। रिजवान लक्ष्मणगढ़ को लोग रिजवान खान के नाम से भी जानते हैं। रिजवान एक हरियाणवी सिंगर हैं और उन्होंने कई हरियाणवी हिट गाने गाए हैं। रिजवान इस फिल्म में अपनी आवाज का जादू चलाएंगे और इसके साथ ही वो फिल्म में कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए भी नजर आ सकते हैं। प्रशांत की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है और सब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप KGF 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।